Hello everyone, in this video lecture of Digital Electronic or Digital System Design, I am going to discuss how we can implement any gate using NAND gate. ठीक है, तो start करते हैं with NOT gate. NOT gate का symbol क्या होता है? This is NOT gate. Clear? Input of NOT gate A, output of NOT gate A bar. Clear? पर जो gate available है, that is NAND gate. Clear? तो NAND gate का symbol क्या होगा? ठीक, इसका फर्स्ट इनपुट क्या है? ए. सेकेंड इनपुट लेट बी. तो आउटपुट पर हमें क्या मिलता है? ए डॉट बी बार. क्लियर. नाउ अगर हम इस इनपुट को भी रिप्लेस कर दें बाय ए, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? ए डॉट ए. और ए डॉट ए अकॉर्डिंग टू द बुलियन अलजेब्रा ये क्या होता है? ए. मींस कि हमें फाइनली यहां पर क्या मिलेगा? ए बार. मींस कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इनपुट को शॉर्ट करेंगे और इस पर एक ही इनपुट अप्लाई करेंगे जिसका नाम क्या होगा? ए. क्लियर. तो दिस इज Not gate. This is not gate using NAND gate only. Clear? Now, अब हम करते हैं AND gate. What is the symbol of AND gate? Symbol of AND gate, यहाँ पर हमारे two inputs, let A, B. Output पर हमें क्या मिलेगा? A dot B. ठीक? अगर हमने zero लिया, इसका complement किया, तो हमें क्या मिलेगा? One. Now, अब अगर हम one का भी complement ले लें, means कि इसका once again complement, तो हमें output पे क्या मिलेगा? Zero. तो original number क्या था? Zero. Means कि अगर हम किसी number का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं टू टाइम्स, तो वी गेट द ओरिजिनल नंबर. ठीक, तो मींस कि ए डॉट बी कैन बी रिटन एज ए बी बार बार. क्लियर. नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं? ए बी बार बार. तो फॉर दिस हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक नैंड गेट बनाया. ठीक है, यहां हमने दिया ए बी, आउटपुट पर यहां पर हमें क्या मिलेगा? ए डॉट बी का बार. हमें वन मोर बार चाहिए, उसके लिए हम ये वाला नॉट गेट यहां पर यूज करेंगे. यहाँ पर हमने यूज़ किया वन मोर नॉट गेट यूजिंग नैंड ओनली. तो यहाँ पर इनपुट क्या थे? ए बी बार. तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? ए डॉट बी बार बार विच इज इक्वल टू ए बी. ठीक है, तो ये हमारा सर्किट हो गया नैंड एंड, सॉरी दिस इज एंड यूजिंग नैंड. क्लियर. और ये था हमारा नॉट यूजिंग नैंड. नाउ अब हम करते हैं और गेट. तो और गेट का सिंबल ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी बार बार. ठीक है, अगर हम डिमागन थ्योरम से इसे ब्रेक करें इस वाले को, तो ये क्या होगा? ए बार डॉट बी बार. ठीक है, कंप्लीट का जो बार होगा वो इंडिविजुअल के बार में, इंडिविजुअल के कॉम्प्लीमेंट में, और जो प्लस था और ऑपरेशन था वो एंड ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. ऊपर वाली बार को हमने कुछ नहीं किया, तो ये हमारी यही रहेगी. ठीक है, तो नाउ ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया. अब हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं. अगर इसे हमें इंप्लीमेंट करना है तो ए बार चाहिए, मीन्स की वन नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट. दिस वन, इसकी इनपुट क्या होगी? ए. नाउ वन मोर नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट, यहां होगा बी. यहां हमें क्या मिला? ए बार. यहां हमें क्या मिला? बी बार. ठीक है, नाउ अब हम इसको अप्लाई करेंगे वन मोर नैंड गेट पर. ये हमने नैंड गेट पर अप्लाई किया. नाउ यहां पर आउटपुट क्या होगी? ए बार डॉट बी बार टोटल का बार. अगर हम डिमागन से इससे ब्रेक करें तो इट विल बी ए बार बार प्लस बी बार बार विच इज इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है, तो नाउ दिस इज और गेट यूजिंग नैंड ओनली. अब हम करते हैं नॉर गेट. नॉर गेट का सिंबल नाउ अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे नॉर गेट यूजिंग नैंड. तो दिस इज द सिंबल ऑफ नॉर गेट. इफ टू इनपुट्स ए एंड बी है, तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू वन और गेट विथ वन इन्वर्टर. ठीक है, ए एंड बी, यहाँ पर हमें मिलता है ए प्लस बी और यहाँ पर हमें मिलता है ए प्लस बी का बार. ठीक, तो नाउ अब जो हमने ये डायग्राम्स बनाए, हमारे पास और गेट यूजिंग नैंड है, नॉर गेट भी हमने ड्रॉ किया, तो नाउ वी कैन ड्रॉ द नॉर गेट यूजिंग नैंड. तो वो कैसे हो जाएगा उसका सिंबल, यहाँ पे करती हूँ सिंबल. ठीक है, सबसे पहले हमने और गेट बनाया, मींस कि वन नैंड गेट, सेकंड नैंड गेट. ठीक है, यहाँ ए यहाँ बी, इन दोनों की आउटपुट को हमने एक नैंड गेट को दिया, एंड ये हो गया और गेट. अब इसके आगे हमें एक इन्वर्टर चाहिए, मींस कि इसकी आउटपुट को एक नैंड गेट को अप्लाई किया जिसकी बोथ इनपुट्स आर शॉर्ट, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा फाइनल. तो अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ हमें क्या मिलेगा? ए बार. यहाँ क्या होगा? बी बार. यहाँ क्या होगा? ए बार डॉट बी बार
कॉम्प्लीमेंट। ठीक, नाउ यहाँ पर क्या होगा, ए डॉट बी डॉट इसका बार इसका कॉम्प्लीमेंट एंड वन मोर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट से इस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार। तो बाय यूजिंग डी मार्गन्स थ्योरम ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार। ठीक है, मीन्स कि दिस इज द सर्किट ऑफ नॉर गेट, दिस इज नॉर गेट यूजिंग नैंड ओनली। आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट गेट्स यूजिंग नॉर गेट ओनली। नॉर गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। बाय यूजिंग नॉर गेट हम कोई भी गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट एनी गेट बाय यूजिंग नॉर गेट। तो स्टार्ट करते हैं विथ नॉट गेट। दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट मीन्स कि इफ इनपुट इज ए तो आउटपुट पर हमें क्या मिलता है, ए बार। ठीक, नाउ अब हमारे पास जो नॉर गेट होता है, नॉर गेट का सिंबल क्या है, दिस इज नॉर गेट। ठीक, इफ देयर इज टू इनपुट ए एंड बी देन आउटपुट वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। क्लियर, दिस प्लस इज और ऑपरेशन। नाउ अगर मैं बी को रिप्लेस कर दूं बाई ए तो यहां पर क्या होगा, ए। क्लियर, नाउ और अकॉर्डिंग टू द बुलियन अलजेब्रा ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए। मीन्स कि हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा, ए बार। ठीक, नाउ अब हम टू इनपुट्स पर अगर सेम ही वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम इन दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दें और एक सिंगल इनपुट अप्लाई करें, ए। ठीक है, तो दिस इज द नॉट गेट, नॉट गेट यूजिंग नॉर। क्लियर, दिस इज नॉट गेट यूजिंग नॉर, तो दिस इज इक्विवेलेंट। क्लियर, नाउ अब हम करते हैं और गेट। ठीक है, और गेट की आउटपुट क्या है, ए प्लस बी बार। मीन्स कि वी कैन राइट ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी बार एंड अगेन जीरो है। ठीक, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें क्या मिलेगा, वन। वन मोर टाइम कॉम्प्लीमेंट लिया मीन्स कि इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें क्या मिलेगा, जीरो, विच वॉज ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो हम टू टाइम्स इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक नॉर गेट। ठीक है, यहां पर हमने क्या दिया, ए बी। इस आउटपुट पर हमें क्या मिला, ए प्लस बी बार। ठीक, वन कॉम्प्लीमेंट मिल गया, बट वन मोर कॉम्प्लीमेंट इज रिक्वायर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक नॉट गेट यूज करेंगे बाय यूजिंग नॉर ओनली। तो नाउ यहां पर क्या होगा, ए प्लस बी बार एंड बार फाइनली विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो दिस इज और गेट यूजिंग नॉर ओनली। ठीक है, दिस इज और गेट यूजिंग नॉर ओनली। नाउ अब हमें क्या करना है, एंड गेट यूजिंग नॉर। एंड गेट की आउटपुट y इज इक्वल टू क्या है, a डॉट b। क्लियर, नाउ इट कैन बी रिटन एज a b बार बार। क्लियर, नाउ अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो इस पोर्शन को मीन्स कि इस वाले कॉम्प्लीमेंट को हम डी मार्गन्स थ्योरम से अगर ब्रेक करें तो इट कैन बी रिटन एज a बार प्लस b बार एंड कंप्लीट बार। क्लियर, इस वाले बार को हमने ब्रेक किया बाय यूजिंग डी मार्गन्स थ्योरम। तो नाउ जब हम एंड गेट इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें एक नॉट गेट, सेकेंड नॉट गेट, मीन्स कि वन नॉर गेट चाहिए लाइक नॉट गेट। यहां हमने ए दिया, हमें क्या मिलेगा, ए बार। सेम वे हमें बी बार चाहिए, तो वन मोर इनपुट को हमने अप्लाई किया वन मोर नॉर गेट पर। इसका इनपुट क्या है यहां पर, बी। तो यहां क्या मिलेगा हमें, बी बार। नाउ अब हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों इनपुट को हमने अप्लाई किया वन मोर नॉर गेट पे। ठीक है, तो नाउ इसका फंक्शन y इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इनपुट मींस कि a बार प्लस दिस इनपुट एंड कंप्लीट बार, विच इज रिटन एज a बार बार डॉट b बार बार। इसको अब मैंने डिमागन से ब्रेक किया, डिमागन से ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इंडिविजुअल का बार। नाउ फॉर दिस, दिस इज इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल का बार और को किसमें कन्वर्ट करेगा, ये एंड में। तो नाउ इट कैन बी रिटन एज ए बी। तो हमारी यही आउटपुट थी जो हमें यहां मिली। तो नाउ दिस इज एंड गेट यूजिंग नॉर ओनली। ठीक, हम करते हैं नैंड गेट यूजिंग नॉर ओनली। तो नैंड गेट बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक एंड गेट लें और उसके आगे एक इन्वर्टर कनेक्ट कर दें तो इट बिकम्स नैंड गेट। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए बी का बार। यहाँ पे क्या था, ए बी। मीन्स कि बेसिकली जो नैंड गेट होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू वन एंड गेट प्लस वन नॉट गेट। तो नाउ अब हमारे पास ऑलरेडी एंड गेट है और हमने नैंड नॉट गेट, हमारे पास ऑलरेडी एंड गेट यूजिंग नॉर है और हमारे पास नॉट गेट भी है, तो हम उन दोनों को कंबाइन करेंगे। नाउ अगर हम कंबाइन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एंड गेट। एंड गेट बनाने के लिए कितने और नॉर चाहिए, वन नॉर। नाउ सेकेंड नॉर सेम, ठीक है,
एंड थर्ड नॉर, ठीक है, दिस पोर्शन कंप्लीटेड. यहां पर क्या होगा ए, यहां क्या होगा बी, तो हमें यहां क्या मिलेगा ए डॉट बी, ठीक है, ये हमें मिल रहा था. नाउ इस आउटपुट को हम एक नॉट गेट पर अप्लाई करेंगे और वो नॉट गेट यूजिंग नॉर होगा, ठीक है. यहां पर आउटपुट ए बी थी जो हमने यहां वेरीफाई किया था. नाउ दिस इज नॉट गेट, तो आउटपुट वाई इज इक्वल टू क्या होगा ए डॉट बी का बार, क्लियर. तो ये क्या हो गया नैंड यूजिंग नॉर ओनली. थैंक यू सो मच. स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी इम्प्लीमेंटेशन, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.